गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरी वन। सो वेलकम टू दिस सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग बूस्टर रिवीजन लेक्चर नंबर थ्री। यस, बूस्टर रिवीजन लेक्चर नंबर थ्री माय फ्रेंड्स। चलो फिर स्टार्ट करें बच्चों। यस, आप बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार आप बता दो, मतलब मैं भी बिंदास हो जाऊंगा कि अभी मैं लेक्चर कंटिन्यू कर सकता हूँ। यस, ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयर किया हुआ, सब क्लियरली आपको दिख रहा है क्या? एक बार मुझे बता दो, राइट, ताकि आई कैन कंटिन्यू माय फ्रेंड्स। यस, बता दो बच्चों प्लीज। मैं कमेंट देख रहा हूँ। यस, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर बोल रहे। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? बता दो मेरे भाई। यस यस सर, यस सर, यस सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, गुड सर। ओके, चलो बोलो। तो बूस्टर रिवीजन लेक्चर थ्री यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलो आप मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आपने वो, चलो वो बता दिया है, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो भी क्लियरली आपको दिख रहा है क्या? वो भी बता दो बच्चों, ताकि वी कैन स्टार्ट माई फ्रेंड्स। ओके, चलो फिर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, प्लस हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा, व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, वो भी कंप्लीट किया था। और मैंने आपको बोला था कि जहां तक प्रॉब्लम की बात है, हम लोग ये बैच में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एंड वो भी जैसे हम रेगुलर बैच में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, एंड आप इसका नोटबुक बनाने वाले हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दो कि सब लोग इसका नोटबुक बना रहे क्या? नोटबुक प्रॉपर, ये बूस्टर रिविजन का प्रॉपर नोटबुक बना रहे हो क्या बच्चों? क्योंकि आपको एग्जाम के पहले ये नोटबुक भी लगने वाला है, एंड शायद पहले दो लेक्चर से आपको अंदाज आया ही रहेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या होने वाला है। करेक्ट है बच्चों? यस, चलो फिर। नाउ प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 36 ऑन पेज 16। प्रॉब्लम नंबर 36 ऑन पेज 16 आपको पढ़ना है बच्चों। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन कॉस्ट शीट। यस, नोटबुक बनाई है, नोटबुक बनाई है, ऐसे बोल रहे, बाकी भगवान जाने बनाई है नहीं बनाई है। मैं तो चलो कमेंट पे राइट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। चलो एनीवे, तो प्लीज ये वीडियो जहां पे भी आप देख रहे हो, जो भी चैनल पे देख रहे हो, राइट, विनोद रेड्डी चैनल होगा, एक्सपर्ट का चैनल होगा, वी स्मार्ट का चैनल होगा, राइट, वो चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों। हो सकता है तो वीडियो को लाइक करो, अगर पॉसिबल है तो शेयर करो। ओके, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि आपके जैसे और भी कुछ लोग जो है उनका भी भला हो सकता है। यू कैन शेयर ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स माय फ्रेंड्स। ओके, चलो प्रॉब्लम नंबर 36 माय फ्रेंड्स, पेज नंबर 16। ओके, पहले भी बताया था मैंने आपको कि ये बैच के नोट्स जो है ये विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, प्लस ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, एक ग्रुप बनाया हमने, राइट, वो स्पेसिफिकली ये बैच के स्टूडेंट्स के लिए। यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो, उस ग्रुप पे भी आपको वो नोट्स मिल जाएंगे बच्चे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो सीए विनोद रेड्डी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ताकि हमारे बाद में कुछ एग्जाम के पहले एंड ऑल दोस थिंग मोटिवेशनल मोटिवेशनल बूस्टर सेशंस होते हैं उसके लिए भी, राइट, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, आप वो सीए विनोद रेड्डी को फॉलो करोगे ऑन इंस्टाग्राम। चलो बस हो गया अभी मार्केटिंग, अभी कंटिन्यू करते हैं विद द क्वेश्चंस। चलो प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 36 ऑन पेज 16 माय फ्रेंड्स। चलो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 30 जून 2018। पर्टिकुलर्स जून 1 का एंड 30 जून का डेटा दिया हुआ है बच्चों आपको, जून 1 एंड 30 जून। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG आपको दिया हुआ है, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आपको दिए, वेजेस पेड दिए हुए, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए, सेल्स दिए हुए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COGS, नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली आपको कॉस्ट शीट बनाना है, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं है बच्चों, करेक्ट। बेसिकली आपको कॉस्ट शीट बनाना है। प्रॉब्लम नंबर 36 हम सॉल्व करें क्या बच्चों? आपने क्वेश्चन पढ़ा क्या? प्रॉब्लम नंबर 36 पढ़ा क्या बच्चों? क्वेश्चन
यस तो चलो फिर राइट डाउन। एबीसी कॉरपोरेशन के लिए हम लोग कॉस्टशीट बना रहे, एबीसी कॉरपोरेशन। यस बच्चों, कॉस्टशीट फॉर द पीरियड फ्रॉम जून 1 टू 30 जून। कॉस्टशीट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। कॉस्टशीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018 माय फ्रेंड्स। चलो फिर, और उसमें क्या, अगर हम पूरा कॉस्ट शीट बनाएंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सीओजीएस, नेट प्रॉफिट आ ही जाएगा ना बच्चों उसमें, यस और नो? तो चलो फिर, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2018, ऐसा आपने लिख दिया है, लिख दिया है ना बच्चों? तो चलो फिर राइट डाउन। ए ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। चलो आप लिखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड आप भी मेरे साथ सॉल्व करो, इनफैक्ट मेरे से थोड़ा आगे जाओ ताकि आपको आपके कोई मिस्टेक्स है वो भी समझेंगे, आपको सॉल्व करना है एडवांस में भी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 60,000, इनर कॉलम में लिखना बच्चों, इनर कॉलम में। प्लस परचेसेस, कुछ है क्या क्वेश्चन में? यस, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग जून 2018, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग जून 2018 480,000, परचेसेस 480,000। कुछ क्लोजिंग स्टॉक है वो डिडक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ परचेस रिटर्न, प्राइमरी पैकिंग, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, टेल मी व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000 माय फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000। यस बच्चों, चलो बोलो, 60,000 प्लस 480,000 माइनस 50,000, टेल मी वेदर आंसर इज 4,90,000। तो ये 4,90,000 क्या है बच्चों? इट इज रॉ मटेरियल, इट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ, इट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ, एंड दिस इज 4,90,000। ये आप आउटर कॉलम को लिख दो बच्चों, 4,90,000 ये आप आउटर कॉलम को लिख दो, 4,90,000 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यस बच्चों, यस, कमेंट में मैं देख पा रहा हूँ सारंग गुजराती इज कॉमर्स। यस बेटा राइट सारंग, तुम, मैं जानता हूँ तुम मेरे पास स्टूडेंट हो, अभी बहुत अच्छे क्लासेस चला रहे हो नगर में, करेक्ट है? ऑल द बेस्ट बेटा फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, तो चलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल इन जून 2018 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 डिडक्ट कर दिया, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 4,90,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 4,90,000। चलो बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या सब लोग? प्लीज बता दो मुझे। एंड अगर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया तो इसमें वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा। चलो बोलो फिर, वेजेस पेड कितना है बच्चों? यस, वेजेस पेड इज 2,40,000, वेजेस पेड 2,40,000। एंड जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इन दोनों के टोटल को वील कॉल इट एज प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट इज ए प्लस बी, तो 4,90,000 प्लस 2,40,000, टेल मी इज इट 7,30,000? इज इट 7,30,000? करेक्ट है, प्राइम कॉस्ट। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताया करो बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है क्या? यस सर, नो सर, आप 7,30,000 आंसर दिया करो कमेंट में, तुम पार्टिसिपेटिव रहोगे ना बच्चों, आपको भी थोड़ा मजा आएगा इसमें। मिस्टेक हो रहा है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक से नहीं डरना है, मिस्टेक अगर हम सुधारते नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक है। ओके, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए, उसमें हमें अभी ऐड करना है बच्चों
फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो चलो बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है क्या क्वेश्चन में उन्होंने? यस इट इज 1 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 1 लाख। तो चलो प्राइम कॉस्ट में बच्चों ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा हमें बोलो? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो राइट डाउन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यस बच्चों लिख रहे हो क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। चलो कमेंट में बता दो मुझे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है। यस बोलो बच्चों, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है आप मुझे बता दो बच्चों प्लीज। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज इट 8,30,000? कमेंट में बोलो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, कमेंट में टाइप करो। यस बाप रे चेतन, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए तुम। बेटा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका तो आंसर दो। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 8,30,000 है क्या? ओके मेरे ख्याल से आप आगे सॉल्व कर रहे हैं मुझ से बहुत, इसलिए आपको लग रहा है कि सर इतना पीछे नहीं आ सकते हम आपके लिए, है ना? हम आगे पहुंच चुके हैं बहुत सारा। यस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना बच्चों? बराबर है ना? लोग मेरे जैसे लोग ऐसे पीछे रह जाते हैं, आप आगे निकल गए। ठीक है भाई कोई बात नहीं। ओके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 8,30,000। अब इसमें मैं ऐड करता हूं ऐड ऐड ओपनिंग WIP। ओपनिंग WIP कितना है बच्चों? ओपनिंग WIP 12,000। इनर कॉलम को लिख दो 12,000। लेस क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कितना है बच्चों? क्लोजिंग WIP 15,000। तो नेट नंबर जो है वो आउटर कॉलम को ले लो, दैट इज -3,000 माय फ्रेंड्स, दैट इज -3,000। एंड ये ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, विच इज E+F। नेट फैक्ट्री कॉस्ट विच इज इक्वल टू E+F। टेल मी इज इट 8,27,000? E-F ऐसे मत करना बच्चों, E+F ही लिख लेना, वो भले ही नंबर -3,000, मतलब इट इज 8,30,000 +-3,000, आंसर इज 8,27,000 इज द नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इज द नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सही है बच्चों 8,27,000 करेक्ट है। अच्छा बताओ बच्चों अभी नेट फैक्ट्री कॉस्ट से मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचना है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट से मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचना है। यस ओके तो क्या ऐड करूं मैं बोलो? तो मुझे ऐड करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। यस चेतन बोल रहा है सर घर से ही क्वेश्चन सॉल्व किया करके आया हूं मैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 50,000? और कुछ एक्सपेंडिचर दिया है क्या उन्होंने यहां पे? नहीं। तो हम इन दोनों का टोटल करते एंड दैट बिकम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन G+H माय फ्रेंड्स इज इट 8,77,000? इज इट 8,77,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहुंच गया, मतलब ये COGS है क्या? होता है ये COGS कब? अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG अगर कुछ नहीं होता तो, बट यहां पे दिया है उन्होंने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो J एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बच्चों ये ऐड करो आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैं बोल रहा हूं आपको प्रेजेंटेशन में आपको कोई शॉर्टकट नहीं मारना है बच्चों, इवन दो दिस अ बूस्टर रिवीजन बैच, देखो मैं पूरा एग्जाम में हमें जैसे प्रेजेंटेशन करना है वैसे ही कर रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बोलो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, हाँ बोलो कितना है? 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,10,000। सो दिस इज -20,000 माय फ्रेंड्स, दिस इज -20,000। तो ये दोनों जब ऐड करेंगे आई एंड जे तो हमें मिल जाएगा COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज I+J। टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 8,57,000? इज इट 8,57,000 COGS? अंडरस्टूड और नॉट? COGS इज 8,57,000। यहां तक सबको समझे क्या बताओ बच्चों प्लीज?
यहां तक सबको समझा क्या? COGS तक सब लोग पहुंच गए क्या? 8,57,000, प्लीज मुझे कमेंट में बता दो बच्चों, 8,57,000 तक क्लियर है क्या? COGS, यस। अच्छा, जो लोग बाद में ये लोग लेक्चर डाउनलोड करके देखते हैं या लाइव नहीं देखते, बाद में यूट्यूब पे देखते हैं, आपको लगता है सर हम कहाँ कमेंट करें, तो तुम बोलो भाई, कमेंट करो, बाजू में लिखो, वहां पे जो करना है करो, कहीं व्हाट्सएप पे कमेंट करो, जहां करना है करो, मुझे नहीं पता है, बट आप भी ये लेक्चर पार्टिसिपेट करोगे, ये लेक्चर में पार्टिसिपेट करोगे तो ही कोई मतलब है। ओके, तो COGS 8,57,000 यहां तक करेक्ट है बच्चों? यस बोलो चेतन, यहां तक करेक्ट है क्या? 8,57,000 COGS, यस। ओके, तो आप COGS तक पहुंच गए बच्चों। इसमें क्या ऐड करना है अभी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो चलो राइट डाउन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है बच्चों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है? इज इट 25,000? इज इट 25,000? तो इसके बाद में आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इट इज के प्लस एल, तो इट इज 8,57,000 प्लस 25,000, टेल मी इज इट 8,82,000? इज इट 8,82,000 करेक्ट है बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 8,82,000, यस और नो? एंड उसके बाद में मेरे ख्याल से हमें उन्होंने सेल्स दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं है, तो सेल्स है 10 लैक्स, सेल्स है 10 लैक्स, एंड इससे आपको प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ पता चल रहा है क्या? बताओ बच्चों, नेट प्रॉफिट, MNO, चलो नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ, नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ, टेल मी इज इट N-M, टेल मी वेदर आंसर इज 1,18,000, नेट प्रॉफिट वेदर आंसर इज 1,18,000 माई फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ 1,18,000, यहां तक क्लैरिटी है क्या बच्चों? 1,18,000 इज आंसर, एनी डाउट माय फ्रेंड्स? सबको समझा क्या? प्लीज बता दो आप मुझे, 1,18,000 इज आंसर, यहां तक क्लैरिटी है क्या बच्चों? प्लीज बता दो, यस वेरी गुड। तो ये प्रॉब्लम नंबर 36 अपना ओवर बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 36 इज इट ओवर? एंड चलो अब एक काम करो, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 37 माय फ्रेंड्स, प्लीज रीड प्रॉब्लम नंबर 37, चलो पढ़ना है प्रॉब्लम नंबर 37, यस अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑन कॉस्ट शीट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर्स वर्किंग माय फ्रेंड्स, इज अ क्वेश्चन ऑन रिवर्स वर्किंग, प्रॉब्लम नंबर 37 पेज 17, पेज 17 आपके पीडीएफ में, ओके लगे तो यहां पे ऐसे आपके लिए लिख दो, क्वेश्चन ऑन रिवर्स वर्किंग, रिवर्स वर्किंग पे क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम लोग। चलो प्रॉब्लम नंबर 37 आप पढ़ रहे हो क्या बच्चों? प्रॉब्लम नंबर 37 प्लीज, बुक्स ऑफ अदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, तो कंपनी का नाम है अदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ओके प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17,500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 17,500 विच इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, विच इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, ओके। COGS excluding administration expenses are 56,000, तो ये administration overhead general रहेंगे फिर, क्योंकि COGS के अंदर अगर वो included है तो वो related to production होते हैं, but excluding administration मतलब वो administration overhead general है बच्चों, तो COGS is 56,000, basically COGS is 56,000। इन्वेंट्री अकाउंट शोड दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG आपको दिया हुआ है। अदर डेटा आर सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए, सेल्स फॉर द मंथ दिया हुआ है बच्चों। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, कंप्यूट वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड वो पूछ रहा है, एंड प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्नड, एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न, तो बेसिकली कॉस्ट शीट पूछ रही है, बट पहला क्वेश्चन है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस्ड, तो आप बताओ बच्चों,
अगर मैं यहां पे कॉस्ट शीट बनाने लग जाऊं तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, बट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड मिलेगा ही नहीं। एंड वहां पे अगर मेरा प्रॉब्लम है तो प्राइम कॉस्ट ये सब ब्लैंक ही रह जाएगा ना, फिर प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा ही नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड ही नहीं है बच्चों, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड ही नहीं है, कैसे सॉल्व करूं फिर मैं? यस ओके, चेतन बोल रहा है सर एग्जाम में एफ जी डब्ल्यू आई पी जैसे शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते क्या? यस कर सकते बेटा, एफ जी राइट, डब्ल्यू आई पी या लेट अस से ओ एच, ओ कैपिटल ओ एच मतलब ओवरहेड्स यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यू कैन, यस बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे बताओ आप ये? तो यहां पे उन्होंने सी यू जी एस दिया हमें, एक काम करते चलो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्किंग उन्होंने क्या बोला है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 इज 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, तो 175% इनटू वर्क्स ओवरहेड्स, 175% इनटू वर्क्स ओवरहेड्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ऐसा दिया है उन्होंने। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स है, तो 175% मतलब ऑब्वियसली 175 डिवाइड बाय 100 इनटू वर्क्स ओवरहेड्स कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है तुम्हारा 17,500, जो 17,500 तो करो 17,500 इनटू 100 डिवाइड बाय 175 इज 10,000, देयरफॉर वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट ऑब्वियसली दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 17,500 डिवाइडेड बाय 175%, तो आंसर इज रुपीज 10,000, या डिवाइड बाय 175% मतलब डिवाइडेड बाय राइट 175 इनटू 100 करो तो आंसर मिल जाएगा इट्स 10,000। चलो फिर वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट कितना है, इतना तो मिल गया बच्चों, वर्क ओवरहेड कॉस्ट कितना है एटलीस्ट वो आंसर हमारे सामने है एंड इट इज 10,000, वर्क ओवरहेड कॉस्ट इज रुपीज 10,000 माई फ्रेंड्स, वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट इज रुपीज 10,000, यहां तक क्लैरिटी है? ओके आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। चलो COGS excluding administration expenses are 56,000, तो COGS 56,000 है बच्चों, तो COGS के बेसिस पे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा क्या, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐसा कुछ रहेगा तो हमें नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी मिल जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूएपी यूज करके आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड्स डिडक्ट करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा, एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज किया तो रॉ मटेरियल परचेस्ड आ जाएगा, रिवर्स वर्किंग बच्चों, रिवर्स वर्किंग। तो चलो फिर यहां पे मैं सेकंड ऐसे लिख देता हूं एंड उसमें मैं लिख देता हूं यहां पे रिवर्स वर्किंग्स, रिवर्स वर्किंग्स ऐसा लिख देता हूं, आप हेडिंग नहीं लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम में, रिवर्स वर्किंग्स ओके। आपको उन्होंने क्या दिया है बच्चों, सीओजीएस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है ओके, तो सीओजीएस दिया हुआ है बच्चों, तो सीओजीएस दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीओजीएस जो 56,000 है मुझे बताओ प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आप बताओ मुझे इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बोलो फिर सीओजीएस कितना है बच्चों, तो सीओजीएस है 56,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, चलो मैं ये रुपीज वगैरह बार बार नहीं लिखता हूं, एक ही बार लिख दूंगा बाद में ओके, तो 56,000 सीओजीएस है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी कितना है बच्चों, फिनिश स्टॉक बोलो इट इज 19,000 एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 17,600, तो ये आंसर क्या है बच्चों, हाँ बोलो क्या आंसर आ रहा है, एंड ये जो भी आंसर आएगा ऑब्वियसली दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर टेल मी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू 56,000 प्लस 19,000
-17600, tell me, is it rupees 57400? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57400। प्लीज बच्चों थोड़ा पार्टिसिपेटिव हो जाओ, कमेंट में 57400 तक आए क्या आप बताओ प्लीज। रिवर्स वर्किंग में लेट्स से दिस इज ए, यस बच्चों 57400 तक क्लियर है क्या? 57400 COGS नहीं, COGS नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। COGS तो 56,000 था, यस और नो? चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए बच्चों। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, या ना कोई क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ मुझे, कैन आई से हियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल टू 57400। एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कुछ है ही नहीं बच्चों, तो राइट? तो आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57400 था, माइनस जीरो करेक्ट है? एंड ये आंसर क्या आएगा बच्चों? दिस आंसर इज नथिंग बट इट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। दिस आंसर इज नथिंग बट इट इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट 57400। चलो यहां तक समझा क्या बच्चों? प्लीज प्लीज कमेंट में बता दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 57400 यहां तक पहुंचे क्या? नेट फैक्ट्री कॉस्ट 57400, एनी डाउट माय फ्रेंड्स? पक्का यहां तक करेक्ट है, यस और नो? चलो फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए। अब बताओ बच्चों नेट फैक्ट्री कॉस्ट से ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक कैसे पहुंचेंगे? चलो नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस क्लोजिंग WIP माइनस ओपनिंग WIP, माइनस ओपनिंग WIP करेक्ट है? इसका जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज नथिंग बट इट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट माय फ्रेंड्स। दैट आंसर इज नथिंग बट इट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। देयरफॉर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कितना है बच्चों? इट इज 57400। 57400 प्लस क्लोजिंग WIP इज 14500। क्लोजिंग WIP इज 14500 माइनस ओपनिंग WIP इज 10500। 10500 तो 57400 प्लस 14500 माइनस 10500, टेल मी इज इट 61400? इज इट 61400? प्लीज प्लीज बच्चों पार्टिसिपेटिव रहो, कमेंट में बताओ ये 61400 तक करेक्ट है क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 61400, यस दीपाली वेरी गुड, 61400 इज अ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट डी। अब बताओ बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया, इससे हमें प्राइम कॉस्ट तक पहुंचना है, तो कैसे मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड्स डिडक्ट करेंगे, तो राइट डाउन ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस माइनस फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड जो बोलना है बोलो। एंड जो आंसर आएगा दैट आंसर इज नथिंग बट इट इज प्राइम कॉस्ट। दैट आंसर इज नथिंग बट इट इज प्राइम कॉस्ट। देयरफॉर प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो बच्चों ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 61500, सॉरी 61400 माइनस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना था बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऊपर हमने कैलकुलेट किया, देखो फर्स्ट वर्किंग में 10,000 था, देखो फर्स्ट वर्किंग में हमने 10,000 कैलकुलेट किया है, वो तो टेल मी इज इट रुपीज 51400? इज इट 51400 प्राइम कॉस्ट? यहां तक करेक्ट है क्या बताओ बच्चों? प्राइम कॉस्ट 51400 है क्या? प्लीज बता दो बच्चों, प्राइम कॉस्ट 51400। अब बताओ बच्चों प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे? प्राइम कॉस्ट में से डायरेक्ट वेजेस डिडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा, तो राइट ऑन प्राइम कॉस्ट माइनस, प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू आपको मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको क्या मिलेगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा बच्चों। देयरफॉर
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, बोलो प्राइम कॉस्ट कितना है बच्चों, इज इट 51,400 माइनस वेजेस कितने थे बच्चों, मेरे ख्याल से वेजेस थे 17,500, तो टेल मी 51,400 माइनस 17,500, टेल मी वेदर दिस कम्स 33,900, वेदर इट कम्स 33,900, यस दीपाली मौसम करेक्ट है, तो आंसर इज 33,900 माय फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 33,900, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इज 33,900 बेटा, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, बट हमें तो डायरेक्ट मटेरियल परचेस फाइंड करना है बच्चों, तो आप क्या करो आप बताओ मुझे, तो हमारे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, तो राइट ऑन डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड बच्चों करेक्ट है, तो आप बताओ देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बच्चों 33,900 प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 10,600 माइनस ओपनिंग स्टॉक इज 8,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000, तो 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000, टेल मी वेदर आंसर इज 36,500, वेदर आंसर इज 36,500 माय फ्रेंड्स, तो 36,500 यस वेरी गुड, लिखा है ऑलरेडी बच्चों ने कमेंट में 36,500 इज डायरेक्ट मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, तो चलो बच्चों वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द पीरियड ये तो मिल गया अपने को, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं बच्चों, यस और नो लगे तो वापस लिखता हूं मैं यहां पे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ, उनके वर्डिंग में लिखते हैं वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, परचेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इज इक्वल टू रुपीज 36,500 इज इक्वल टू रुपीज 36,500, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 इज इक्वल टू रुपीज 36,500 माय फ्रेंड्स, यस और नो, यहां तक समझा क्या बच्चों, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए बच्चों यहां पे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रिपेयर द कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अर्न, तो आप पूरा वर्किंग बताने के लिए बोल रहे हो, तो वो तो कर ही लेंगे हम लोग फिर पूरा वर्किंग, तो चलो ये पहले से एक बार देख लो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने पहला वर्किंग बनाया था अदर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखो नाम लिखा, उसके बाद में हमने पहले फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना है वो फाइंड किया था, एंड फिर बाद में ये सारे रिवर्स वर्किंग किए सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर ए बी सी डी ई एफ जो था, एंड अब थर्ड लिख देता हूँ कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, तो राइट डाउन कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, और उसमें लिख देना पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के दो कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट के दो कॉलम, कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, यस बच्चों अब ये पूरा कॉस्ट शीट हमें इन शॉर्ट बनाना है,
कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019, ये लिखो। एंड अभी पूरा वर्किंग हमें ये जो भी ऊपर के सारे नंबर्स है ये वापस इनकॉर्पोरेट करके लिखना है अपने को भी। कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 माय फ्रेंड्स। चलो फिर अब एक काम करता हूं, यहां पे शाल आई डायरेक्टली राइट, लेट्स से डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी मंथ, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी मंथ। बोलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ कितना था? ओके ऊपर देखते, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो था, कंज्यूम्ड वो था 33,900। तो एक्चुअली बच्चों वो 33,900 ये इतना भी लिखा मैंने यहाँ पे तो बस है 33,900। ओके फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर ऐसे क्यों कर रहे हो शॉर्टकट, उसका ब्रेकअप बताओ। ठीक है भाई उसका ब्रेकअप बताता हूं मैं। तो राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 8,000 प्लस परचेसेस। परचेसेस कितना था? परचेसेस जो हमने फाइंड किया था रिवर्स वर्किंग से 36,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था? 10,600। तो टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट 8,000 प्लस 36,500 माइनस 10,600 इज इट 33,900? यस। तो दिस वाज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, दिस वाज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, यस और नो? बी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आप ही बताओ कितने थे डायरेक्ट वेजेस? मेरे ख्याल से डायरेक्ट वेजेस थे 17,500। एंड फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा बच्चों उसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो ए प्लस बी प्राइम कॉस्ट। तो बोलो प्राइम कॉस्ट कितना है बच्चों? तो इट इज 33,900 प्लस 17,500 इज इट 51,400? इज इट 51,400 इज द प्राइम कॉस्ट माय फ्रेंड्स, 51,400 डी। अब इसमें हमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स आप ही बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितना था बच्चों? इट वॉज 10,000। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट 10,000 था। तो ये ऐड करने के बाद जो आया उसको हम बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट विच इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो टेल मी इज इट 61,400? इज इट 61,400 माई फ्रेंड्स इज द ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। एंड अभी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ऑब्वियसली एड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी लेस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी कितना था बच्चों? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी था 10,500, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी था 14,500। सो आउटर कॉलम को जाएगा निगेटिव 4,000। तो ई प्लस एफ जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा, हाँ बोलो बच्चों क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। कैन आई से दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हियर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइट, एज एज देयर आर बोलो नो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, देयर आर नो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो टेल मी माय फ्रेंड्स ई प्लस एफ जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है वही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, इज इट 57,400? ये लगे तो आपको लिखना है तो क्या करो, 57,400 जो है नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन 0 एंड 0 ऐड करके जो आंसर आएगा दैट इज 57,400 इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट और नॉट? एच। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमें जाना है बच्चों सीओजीएस की तरफ। तो क्या लिखेंगे बोलो? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 17,600, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 19,000। तो टेल मी माय फ्रेंड्स इज इट निगेटिव 1,400? तो निगेटिव 1,400 ऐड करो 57,400 में तो आंसर आपको मिल रहा है सीओजीएस। तो टेल मी इज इट जी प्लस एच वेदर 56,000 इज द आंसर?
जी प्लस एच 56,000। एंड देखो बच्चों, ये 56,000 जो है, यहां से हमने रिवर्स वर्किंग स्टार्ट किया था, यहां से हमने रिवर्स वर्किंग स्टार्ट किया था। एंड 56,000 से हम लोग वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज तक पहुंचे थे, रिवर्स में गए थे, करेक्ट है। अब वापस वही लिख के डाला हमने, लिख निकाला वापस, और कुछ नहीं यार, ये सारे नंबर ऊपर है। अब आप लोग भाई सर, अब इसमें क्या ऐड करने वाले? तो अब ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग ओवरहेड जो जो दिया है उन्होंने वो, तो राइट डाउन सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितना है सेलिंग एक्सपेंसेस बोलो? 3,500 क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऐड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 2,500। तो टोटल ऑफ दिस इज 6,000 माय फ्रेंड्स, टोटल ऑफ दिस इज 6,000। तो ये 6,000 जब ऐड हो जाएगा बच्चों, तो इस टोटल को हम बोलेंगे अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। टेल मी वेदर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 62,000, वेदर कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 62,000। देन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 62,000 है, उन्होंने दिया है आपको एल सेल्स फॉर द मंथ, सेल्स फॉर द मंथ आपको दिए हुए 75,000। इससे आपको प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ मिल जाएगा बच्चों। तो JKLM, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ एल माइनस के, एल माइनस के, वेदर आंसर इज 13,000। प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ, वेदर आंसर इज 13,000 माय फ्रेंड्स। यस, समझा क्या? प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ इज इक्वल टू 13,000 माय फ्रेंड्स, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द मंथ इज इक्वल टू 13,000। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? समझा सबको ये? तो ये प्रॉब्लम नंबर 35, 36, 37 हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों, 35, 36, 37। यस, यहां तक कोई डाउट? यस बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 35, 36, 37 में कोई डाउट है क्या, बताओ अभी? तो इसके साथ साथ में बच्चों, हमने एटलीस्ट फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप लोग, नहीं सर, स्टडी मटेरियल में बहुत सारा थ्योरी दिया हुआ है, तो आप देखो स्टडी मटेरियल में क्या थ्योरी दिया है, एग्जाम में कितनी बार पूछा है, क्या है, अगर थोड़ा एनालिसिस करोगे। मैंने तो बहुत एनालिसिस किया है, मेरा एक ही काम है ये, बस कॉस्टिंग पेपर का एनालिसिस करना, कॉस्टिंग के पेपर सॉल्व करना, कॉस्टिंग के रिलेटेड जो भी है। अब क्वेश्चन रहते जैसे कि रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टूडेज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना रहता है। या तो ये बस पॉइंट के फॉर्मेट में कुछ थोड़ा बहुत लिखना रहता है एग्जाम में अगर आए तो, एंड अगर एग्जाम में आया तो भी, मैंने आपको बोला था पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है, उसके हिसाब से थ्योरी को वो ए कैटेगरी में आता है या बी कैटेगरी में या सी कैटेगरी में, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एनीवे, तो चलो, मैंने आपको जो बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी आपको लिख के दिया है बच्चों। अगर आप लेक्चर 1 2 देखोगे तो आपको समझेगा। मैंने कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस आपको लिख के दिया है, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस आपको लिख के दिया है, मैंने कॉस्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस मैंने लिख के दिया आपको, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग लिख के दिए, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस लिख के दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट लिख के दिया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंप्लिसिट कॉस्ट लिख के दिया है, फिक्स्ड क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट लिख के दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लिख के दिया है, व्हाट आर द फाइव मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल पोर्शन लिख के दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट सेंटर आपको लिख के दिया है, रिस्पांसिबिलिटी सेंटर के चार टाइप क्या होते हैं, लाइक कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, वो आपको लिख के दिया है मैंने, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट लिख के दिया है, व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट वो लिख के दिया है।
करेक्ट और नॉट। तो ये सब बेसिक पार्ट मैंने आपको लिख के दिया है बच्चों, करेक्ट है। तो इतना तो आपको बेसिक थियरी कंप्लीट करना है बच्चों, इतना बेसिक थियरी आपको कंप्लीट करना है। साथ साथ में मैं कुछ और पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट है, ओके, मैं मिस आउट नहीं करना चाहता इसलिए लिख के देता हूँ, क्योंकि वैसे भी राइट एक पहले दो चार चैप्टर में ही थोड़ा लिटिल बिट थियरी है, उसके बाद में कंप्लीट फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल पार्ट माय फ्रेंड। जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग हार्डली कुछ थियरी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हार्डली कुछ थियरी है, करेक्ट और नॉट, इट्स मोस्टली अ प्रैक्टिकल। प्रोसेस कॉस्टिंग हार्डली कुछ थियरी इन्वॉल्व है, करेक्ट और नॉट। तो चलो बच्चों ये यहां तक सबको समझा क्या, प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दो ये क्लियर है क्या सबको। यस दीपाली, चेतन, मौसम, प्लीज बता दो ये सब क्लियर है क्या बच्चों। यस ओके तो फिर हम एकदम शुरुआत में अगर आप देखोगे तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये जो क्वेश्चन लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट याद है क्या आपको? देखो ये क्वेश्चन रहा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये क्वेश्चन है कि नहीं बच्चों? तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आप मुझे बताओ, पेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, पेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन इसका डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेचर बेस्ड इसका कंप्लीट कर चुके हैं, देन एलिमेंट बेस्ड डिस्कशन कर चुके हैं, यस और नो। तो बाकी के जो क्लासिफिकेशन है ऑब्वियसली उसका कोई प्रैक्टिकल पार्ट हमें नहीं देखना है, बट वो एग्जैक्टली क्या है उसका एक एक दो दो लाइन में हम मीनिंग लिखते हैं बच्चों, फिर चलेगा क्या? एक एक दो दो लाइन में हम मीनिंग लिख लेते हैं, हम कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे, चलेगा क्या बच्चों? तो राइट डाउन हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्लीज राइट डाउन माई फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो क्या होता है बोलो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट? ओके हिस्टोरिकल कॉस्ट इज कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, ऑब्वियसली इट इज ऑलरेडी इनकर्ड, दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड, दिस कॉस्ट, प्लीज लिखो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 मिनट ही जाएंगे अभी ये बचा हुआ सब लिखने के लिए, एंड उसके बाद में वी आर गोइंग टू राइट सॉल्व द क्वेश्चन, या वी वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, मटेरियल हम पढ़ने वाले। कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, दिस इज द कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड, दिस कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड, ओके हिस्टोरिकल कॉस्ट ये पास्ट कॉस्ट है, ओके इट इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज संक कॉस्ट, ये संक कॉस्ट है बच्चों, इट इज इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एज इट इज ऑलरेडी इनकर्ड, एज इट इज ऑलरेडी इनकर्ड, अब हमारे डिसीजन को ये कभी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके करंट कॉस्ट, मैं एक दो वर्ड के ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, इट इज अ प्रेजेंट कॉस्ट, इट इज द प्रेजेंट कॉस्ट, एंड नेक्स्ट इज बजेटेड कॉस्ट। नेक्स्ट क्या होता है? बजेटेड कॉस्ट। तो क्या होता है बजेटेड कॉस्ट? सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो बजेटेड कॉस्ट ऑब्वियसली इज अ फ्यूचर कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटिंग टू फ्यूचर पीरियड, कॉस्ट रिलेटेड टू, कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड, करेक्ट और नॉट? कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड, दैट इज कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस, कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस, एडवांस में जो हम प्रेडिक्ट, कॉस्ट कंप्यूटेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लाइक मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट कितना लगेगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे, ओवरहेड्स कितने होंगे, ये सब इज अ बजेटेड कॉस्ट, करेक्ट है। कोई कस्टमर हमारे पास आता है हम और हमें कोटेशन मांगता है, तो वी हैव टू एस्टिमेट द कॉस्ट माय फ्रेंड्स। जैसे आपको ये बैच का फीस अगर बताया गया है तो ये फीस बताने के पहले वी हैव एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दिस बैच इन एडवांस, कॉस्ट हम पहले एडवांस में एस्टिमेट करते हैं, उसमें मार्जिन ऐड करते हैं, एंड सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, इट्स अ बजेटेड कॉस्ट। सो दीज वेयर टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, तुम चाहो तो इसको हेडिंग दे सकते हो, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। तो ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड कॉस्ट के तीन टाइप थे बच्चों, कौन से? हिस्टोरिकल, करंट एंड बजेटेड, हिस्टोरिकल, करंट एंड बजेटेड, यस ओके। प्रणव बोल रहे सर कॉस्ट शीट में जो नए सम्स ऐड हुए वो भी करवाएंगे बेटा, डोंट वरी, जैसे जैसे हम एंड में जाएंगे ऐसे कुछ अलग क्वेश्चन नहीं हो, मैंने देखे हुए ऑलरेडी,
ठीक है? तो इट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट एंड बजेटेड कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. ओके, देन टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एबिलिटी, लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एबिलिटी. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एबिलिटी कॉस्ट के दो टाइप है बच्चों, कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल. कंट्रोलेबल कॉस्ट तो क्या होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट तो ऑब्वियसली कंट्रोलेबल मतलब कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिसीजन मेकिंग, जो कम ज्यादा किया जा सकता है बाय योर डिसीजंस इज द कंट्रोलेबल कॉस्ट. तो राइट ऑन, कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजरियल एक्शन, कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड, इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजरियल एक्शन, इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजरियल एक्शन, येस और नो? दीज आर नोन एज कंट्रोलेबल कॉस्ट. दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, आप बताओ क्या रहता है? कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल है मतलब हम अपने डिस्क्रिशन पे उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिशन पे तुम चाहे तो ये अवॉइड कर सकते हो. इज ऑल्सो नोन एज अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट. और तुम अगर ये कंट्रोलेबल है फिर भी इनकर कर रहे हो, मतलब यू आर इनकरिंग एट योर ओन डिस्क्रिशन, यू आर इनकरिंग एट योर ओन डिस्क्रिशन, तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिशनरी कॉस्ट. सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल एंड नेक्स्ट इज नॉन कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट. तो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होते हैं? दीज आर द कॉस्ट, दीज आर द कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड, विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजरियल एक्शन, विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजरियल एक्शंस, दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज अनअवॉइडेबल कॉस्ट और नॉन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट और नॉन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट और नॉन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट माई फ्रेंड्स, येस और नो? कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल, इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? These are the types of cost on the basis of controllability. Types of cost on the basis of controllability. और अब बताओ, types of cost on the basis of normality. Types of cost on the basis of normality. On the basis of normality, cost के क्या type रहते हैं? हाँ बोलो. Types of cost on the basis of normality. हाँ बोलो बच्चों. Normal cost and abnormal cost. तो बहुत simple है. Normal cost. तो क्या होता है normal cost? द कॉस्ट विच इज इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग, रूटीन कोर्स ऑफ डीलिंग इज नोन एज नॉर्मल कॉस्ट. अच्छा मुझे बताओ, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से फैन गिर गया मेरे ऊपर, उसकी वजह से मुझे एडमिट करना पड़ा, 10,000 रुपये खर्चा आया, या मान लो हमारा कोई एम्प्लॉई थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, राइट, फैन गिर गया इसकी वजह से उसको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा एंड उसकी वजह से हमें 50,000 रुपये खर्चा लगा, ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है बोलो? यस बताओ कमेंट में मुझे, ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? यस बच्चों बोलो बोलो कमेंट में बता दो, ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? तो ऑब्वियसली इट इज अबनॉर्मल, करेक्ट है. बट अब मुझे बताओ, राइट, प्रिंटिंग का कॉस्ट है जितना नॉर्मली लगता ही है, टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इट्स नॉर्मल, करेक्ट है. सो नॉर्मल कॉस्ट इज, लिख रहे हो क्या बच्चों? कॉस्ट विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, कॉस्ट विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, कॉस्ट विच आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड अंडर अंडर नॉर्मल
कॉमा रूटीन कॉमा रेगुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस, रेगुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस, जो रेगुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस में कॉस्ट इनकर होना एक्सपेक्टेड है इज नोन एज नॉर्मल कॉस्ट। एंड अबनॉर्मल कॉस्ट मतलब क्या फिर? अगर सबसे सिंपल बताना है तो कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट इज द अबनॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट इज द अबनॉर्मल कॉस्ट। सो कॉस्ट ओवर एंड अबव, कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट राइट इज नोन एज अबनॉर्मल कॉस्ट, करेक्ट? ऑब्वियसली दीज कॉस्ट आर नॉट, दीज कॉस्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड, दीज कॉस्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड अंडर नॉर्मल कॉमा रूटीन कॉमा रेगुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस, रेगुलर ऑपरेटिंग कंडीशंस में ये कॉस्ट राइट इनकर होना एक्सपेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल मशीन ब्रेकडाउन्स, मेजर एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, आप समझ रहे हो क्या? ये रूटीन कोर्स ऑफ डीलिंग में नहीं हो सकता, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ चलो एक्सीडेंट तो होता ही है। अब वैसे देखा जाए तो व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज अबनॉर्मल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। व्हाट इज नॉर्मल कोर्स ऑफ डीलिंग इज डिफरेंट माय फ्रेंड्स, यस और नो? जैसे नॉर्मल, जैसे पावर फेल्योर मे बी वेरी नॉर्मल फॉर अ कंपनी जिसका मान लो ऑपरेशन एक विलेज में होता है। पावर फेल्योर मे बी अ वेरी रूटीन थिंग, करेक्ट और नॉट? मतलब गांव के लोगों के लिए पावर फेल्योर राइट बहुत रूटीन सी चीज है। यहाँ पे इनफैक्ट पुणे मुंबई जैसे सिटी में भी राइट इतना कोई रेयर इवेंट नहीं है कि नहीं, पावर फेल्योर मतलब कभी होता ही नहीं है। बट आप बताओ यूएस की कोई कंट्री सिटी में ऐसा हो सकता है कि पावर फेल्योर राइट इज वेरी अबनॉर्मल? वेरी अबनॉर्मल मतलब 25 साल में एक बार होता है, 10 साल में एक बार होता है, या कभी तो एक बार होता है राइट? कैन बी एन इंसिडेंस लाइक दैट। तो व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज अबनॉर्मल इज ऑब्वियसली राइट कंपनी टू कंपनी डिफर हो सकता है, करेक्ट और नॉट? व्हाट इज नॉर्मल वो देख लेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मैलिटी माय फ्रेंड्स। देन टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ एसोसिएशन। तो ऑन द बेस ऑफ एसोसिएशन कॉस्ट के दो टाइप है, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। तो बोलो प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब द कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट विच चेंजेस, द कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट विथ चेंज इन टाइम पीरियड, नॉट चेंज इन टाइम पीरियड। मतलब ये 3 महीने के लिए अगर इतना कॉस्ट है तो 6 महीने के लिए इतना होगा, ऐसा नहीं होता है राइट? जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, इतने यूनिट प्रोड्यूस किए तो इतना है, और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो बढ़ रहा है। इट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। जनरली ऑब्वियसली सब जानते हैं जनरली इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट, जनरली इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर प्रोडक्ट कॉस्ट, वेयर एज फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। जनरली इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट इज पीरियड कॉस्ट। समझो फैक्ट्री रेंट, रेंट फॉर द मंथ 10,000 है, तो रेंट फॉर द ईयर 10,000 × 12 होगा, मतलब इट इज ऑल्सो चेंजिंग बट नॉट विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इट इज चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम पीरियड। समझो राइट, रेंट फैक्ट्री रेंट फॉर द क्वार्टर 40,000 है, तो फॉर द ईयर 40,000 × 4 होगा, करेक्ट और नॉट? तो इट इज चेंजिंग बट विद अ टाइम पीरियड, करेक्ट है? राइट डाउन द कॉस्ट विच चेंजेस, अगर ऐसे पीरियड कॉस्ट भी चेंज होता है क्या? तो होता है, विच चेंजेस विथ चेंज इन टाइम पीरियड, विच चेंज इन टाइम पीरियड एंड नॉट विथ
एंड नॉट विथ, बोलो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एंड नॉट विथ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, करेक्ट है. इट इज जनरली, इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, जनरली इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब द कॉस्ट विच चेंजेस विथ द, बोलो, टाइम पीरियड, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ जो चेंज नहीं होता है, करेक्ट है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, माय फ्रेंड्स. प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, यहां तक समझा क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, समझा क्या? प्लीज प्लीज कमेंट में बता दो बच्चों. ओके, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग. राइट डाउन, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, माय फ्रेंड्स. एंड देखो बच्चों, ये 60 घंटे का बैच है, उसमें भी हम लोग ये अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ आगे बढ़ सकते हैं. आप लोग तो कहोगे कि सर हर चैप्टर ये लेवल तक जाएंगे क्या? हर चैप्टर जाएंगे बच्चों, हर चैप्टर ये लेवल तक जाएंगे. ओके, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वो है रिलेवेंट कॉस्ट एंड इरिलेवेंट कॉस्ट. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेवेंट कॉस्ट? कॉस्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, व्हिच शुड बी कंसीडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इज रिलेवेंट कॉस्ट. एक सीए फाइनल में चैप्टर है रिलेवेंट कॉस्ट एंड डिसीजन मेकिंग, जिस पे मैं सीए फाइनल में 27 या 28 लेक्चर्स 2 घंटे के रिकॉर्ड किया, मतलब करीबन 55 to 60 आवर्स आई हैव स्पेंड ओनली ऑन वन चैप्टर, रिलेवेंट कॉस्टिंग. कौन सा? रिलेवेंट कॉस्टिंग. अभी मैं सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूं आपको एट इंटर लेवल, वो क्या है? कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इज नोन एज रिलेवेंट कॉस्ट. राइट डाउन, कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट, कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज इट शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट शुड बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट शुड बी कंसीडर्ड एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग. द कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज नोन एज रिलेवेंट कॉस्ट, इज नोन एज रिलेवेंट कॉस्ट. कॉस्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज नोन एज रिलेवेंट कॉस्ट. एंड इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है? ये इररिलेवेंट कॉस्ट, कॉस्ट विच कैन बी इग्नोर्ड, कॉस्ट विच कैन बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. तो राइट ऑन, कॉस्ट विच कैन बी इग्नोर्ड एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट विच कैन बी इग्नोर्ड at the time of decision making, that is not important at the time of decision making, the cost which can be ignored at the time of decision making is known as irrelevant cost, is known as irrelevant cost, cost which can be ignored at the time of decision making is known as irrelevant cost, my friends, is known as irrelevant cost. Correct hai? Any doubt, my friends? आप बताओ. वो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ फंक्शन में लिख के नहीं दूंगा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है, ये थोड़ी मैं लिख के दूंगा यार. अभी सबको पता ही है, यस और नो. एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है. आपको इतने नादान बच्चे भी नहीं हो कि आपको नहीं सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है ये तो नहीं पूछोगे ना आप मुझे. आप एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, यस और नो, उतना एक्सपीरियंस है तुम्हें, राइट? या एक बार फेल होके या क्लासेस नहीं करके भी कुछ एक्सपीरियंस आता है, उसके अंदर भी ये समझ में आ जाता है व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, यस और नो. चलो बच्चों, यहां तक समझा क्या? आप मुझे प्लीज बता दो, यहां तक समझा क्या? पक्का पक्का समझा क्या? बताओ बच्चों. ओके, तो चलो, टाइप्स ऑफ कॉस्ट इसका डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं. व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, वो डिस्कशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, ये डिस्कशन हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, यस और नो. ओके, अच्छा, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन में से ना बच्चों, कुछ कॉस्ट जो है हो सकता है कि उसका आपको एक्सप्लेनेशन लगे. तो एक काम करो, राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट, वो मैं लिख के देता हूं आपको. व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट,
और प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, एक दो ट्रिकी कॉस्ट टर्म्स है वो मैं लिख के देता हूं। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब, सुनो मैं सिंपल लिख के देता हूं, समझो तुम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुके हो एंड उसको अभी फिनिश गुड्स में लेके जाना है आपको। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप इनकर कर चुके हो एंड फिनिश गुड्स तक आपको जाना है, तो इसके बीच में जो कॉस्ट इनकर होता है दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। बहुत सिंपल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका है, अब उसको फिनिश गुड्स तक लेके जाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक लेके जाना है। मतलब क्या बीच में आता है, तो बीच में आता है डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये जो आता है ये चारों का टोटल इज कन्वर्जन कॉस्ट, ये चारों का टोटल इज कन्वर्जन कॉस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका है, फिनिश गुड्स तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको पहुंचना है, बीच में जो इनकर होता है ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का कॉस्ट है, इसलिए उसका नाम कन्वर्जन कॉस्ट है। करेक्ट है? नेक्स्ट इज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके, कभी कभी स्टूडेंट को ये थियरी नहीं समझता इतना, तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट इनकर्ड बिफोर एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सैंपल रन्स कॉस्ट ऑफ, या कुछ सैंपल प्रोडक्शन किया एंड कस्टमर्स को बांट दिया। करेक्ट है? तो प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है वो, बिफोर एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स। तो राइट डाउन कॉस्ट इनकर्ड बिफोर बिफोर एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स, बिफोर एक्चुअल कमर्शियल, हाँ बोलो बच्चों, प्रोडक्शन स्टार्ट्स, कॉस्ट इनकर्ड बिफोर एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स इज नोन एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, इज नोन एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड बिफोर एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट्स इज नोन एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट माय फ्रेंड्स, इज नोन एज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, यस और नो? समझा बच्चों ये? पक्का समझा या नहीं? लिखा आपने? मुझे कमेंट में आंसर चाहिए बच्चों, आपको समझा है नहीं समझा है जो भी है, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। अभी यस सर, यस सर, बोलो जल्दी। यस समझा। ओके, एंड फर्स्ट चैप्टर में एक लास्ट नोट हम पढ़ते हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा मुझे बताओ अपना प्राइम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन करना है बच्चों इसका, सो द कॉस्ट विच इज डायरेक्ट, द कॉस्ट विच इज डायरेक्ट, तो वैसे डायरेक्ट मतलब क्या होता है, विच कैन बी स्पेसिफिकली अलोकेटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, विच कैन बी स्पेसिफिकली अलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। सो कॉस्ट डायरेक्ट है बट कैनॉट बी कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस, इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ रहा है क्या आपको ये? तो राइट डाउन दीज आर दी एक्सपेंसेस अदर देन, या राइट डाउन दीज कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट वेजेस, दीज आर द कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। करेक्ट है? दीज आर स्पेसिफिकली अलोकेटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, और दीज आर स्पेसिफिकली अलोकेटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर बट नॉट दी कॉस्ट ऑफ, बट नॉट दी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर। ये स्पेसिफिकली अलॉकेबल है बट ये मटेरियल कॉस्ट नहीं है, लेबर कॉस्ट नहीं है, सो दिस इज डायरेक्ट लेबर देन। करेक्ट और नॉट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। सबको पता है प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल
प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है ये। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस माय फ्रेंड्स। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? करेक्ट है। कुछ एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर लिखना है तो लेट्स से रॉयल्टी पेड ऑन पर यूनिट बेसिस। रॉयल्टी पेड ऑन पर यूनिट बेसिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी पेड ऑन पर यूनिट बेसिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा सुनो बच्चों, मैंने समझो कोई कंपनी है, जापान की कंपनी है, और समझो उसने मुझे कैलकुलेटर बनाने का नो हाउ मुझे दिया है, ओके। और उन्होंने हमें बोला है कि यू हैव टू पे रॉयल्टी ऑफ 10 रुपीज पर कैलकुलेटर सोल्ड इन इंडिया। 10 रुपी पर कैलकुलेटर सोल्ड इन इंडिया। तो 10 रुपीज इज द डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर मी माई फ्रेंड्स। 10 रुपी इज द डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर यूनिट है, बट ये मटेरियल कॉस्ट नहीं है, लेबर कॉस्ट नहीं है। तो रॉयल्टी पेड ऑन पर यूनिट बेसिस। रॉयल्टी पेड ऑन पर यूनिट बेसिस। या तो लेट अस से मशीनरी हायर चार्जेस। मशीनरी हायर चार्जेस फॉर ओके अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए ही मशीनरी हमने हायर किया था, तो वो मशीन के जो हायर चार्जेस है, इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। बट ये डायरेक्ट मटेरियल है क्या? मशीन के हायर चार्जेस कैन नॉट बी डायरेक्ट मटेरियल, कैन नॉट बी डायरेक्ट लेबर। तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो समझो हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए ओके एक सब कॉन्ट्रैक्टर को बोला, क्योंकि हम वो काम नहीं करते हैं, इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टर को वो दे दिया एंड उसको हमने पेमेंट किया। तो आप बताओ, इट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट प्रोडक्ट। इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट, बट इट इज नॉट डायरेक्ट मटेरियल, इट इज नॉट डायरेक्ट लेबर। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे जो भी एक्सपेंडिचर्स है जो डायरेक्ट तो है, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल और इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर। सो दीज आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माय फ्रेंड्स। दीज आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यस और नो? कुछ समझा क्या बच्चों? एनी डाउट? तो ये था अपना पहला चैप्टर। एंड उसके पहले अभी मैं सिर्फ लास्ट और एक थियरी क्वेश्चन आपसे लिख के लूंगा, 5 मिनट सिर्फ। एंड उसके बाद में वील गो टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मटेरियल्स। वो आज हम पढ़ने वाले। ओके बच्चों, तो उसमें एक अभी सिर्फ थियरी क्वेश्चन है, राइट? वो है इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम। राइट डाउन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट चैप्टर का भी, इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम में वापस बता दूं बच्चों, ये 60 आवर्स में हमें ना 60+ मार्क्स एक्चुअली लाना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। इसलिए ये सब लिखना, नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। आप लोग कहें सर अभी नोटबुक बनाने में इतना पेशेंस ही नहीं है, करना पड़ेगा मेरे भाई, सार 60 आवर्स ही स्पेंड करना है ना। करेक्ट है कि नहीं? उसमें बड़बड़ बड़बड़ बड़ करके राइट, बाद में वापस कुछ याद नहीं आ रहा, क्या फायदा है? कुछ तो एक मॉक क्रिएट करना है ना हमें, इंस्टॉलेशन ऑफ अ कॉस्ट सिस्टम। तो कॉस्ट सिस्टम क्या होना चाहिए? इसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट सिस्टम, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हो, तो राइट डाउन इसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्ट सिस्टम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना अपना कॉस्ट सिस्टम सेट करना होता है बच्चों, करेक्ट और नॉट? देर इज नो रेडीमेड कॉस्ट सिस्टम विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टम बनाना रहता है। तो वो सिस्टम बनाते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है, व्हाट आर द इसेंशियल्स? तो पहला, इट मस्ट बी इफेक्टिव, इट मस्ट बी इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, नहीं तो ऐसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 10 करोड़ है एंड ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का खर्चा 2 करोड़ रुपए। बहुत ज्यादा हो गया ना बच्चों, जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 10 करोड़ है उसके लिए ये सिस्टम का खर्चा 2 करोड़, तो बहुत ज्यादा हो गया। अब सिंपल एग्जाम्पल बच्चों, ओके सुनो ध्यान से। कोई भी सिस्टम जब हम सेट करते हैं ना बच्चों, उस सिस्टम के हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। उसके फायदा क्या है और उसका कॉस्ट क्या है।
अच्छा सुनो ध्यान से, मैं एक दिन यहाँ पे लाइव क्लास ले रहा था कुछ सालों पहले, तो हमारा एक ऑफिस बॉय के बोला कि सर कुछ कुछ लोग जो है ना सर बिना एडमिशन के क्लासरूम में चले जाते, एक आध लेक्चर भी अटेंड कर लेते सर, हमें उनको रोकना चाहिए सर। तो हम लोग दरवाजे में ऐसा सिस्टम बनाएंगे, रेटिना कंट्रोल सिस्टम, वो स्टूडेंट का आंखों में कुछ ऐसा यूज करेगा एंड वो मैच होगा, उसके बाद में ही वो दरवाजा खुलेगा। मैंने बोला हाँ भाई लगा देते। उसका सिस्टम का कॉस्ट कितना आएगा? 10-15 लाख रुपए। अच्छा, इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया में समझो एक ने रेटिना मैच करवाया, दरवाजा खुल गया एंड उस वक्त 5 स्टूडेंट घुस गए तो क्या? इंडिया है भाई, इंडिया, इंडिया में हर चीज होती है या नहीं? ने देखा है आपने बहुत बार, यस और नो? इंडिया में हम लोग सिस्टम बनाने के पहले ना वो सिस्टम ब्रेक कैसे करते हैं वो लोग ढूंढ के निकलते, सिस्टम बनने के पहले सिस्टम राइट वो ब्रेक कैसे होता है वो इंडिया में पहले लोग R&D करते हैं उसके ऊपर, यस और नो? सीधी सी बात है राइट, सीधी सी बात है। ओके, क्या था सिंपल, एक जगह पे हम यूरोप में कहीं तो गए थे, वहां पे एक जगह पे क्या था, ऐसे एक कॉइन इंसर्ट करना था कुछ, $1 का या 1 यूरो का, 1 यूरो का कॉइन इंसर्ट करना है एंड या कुछ समथिंग, एंड उसके बाद में वो एक वॉशरूम का दरवाजा खुलता था, यू कैन यूज दैट वॉशरूम एंड यू कैन कम आउट, ऐसे था। तो वो जो यूरोपियन लोग थे, हर एक आदमी वो कॉइन इंसर्ट करता था, फिर जो पहला वाला बाहर आता था ओके, उसके पहले जो बाहर खड़ा है वो दरवाजा बंद करता था, वापस एक बार कॉइन डालता था, फिर खोल के अंदर जाता था। अब बताओ इंडिया, इंडिया में क्या होगा? वो दरवाजा बंद ही नहीं करेंगे लोग, है या नहीं है? अपने इंडिया में पहले सिस्टम बनने के पहले वो ब्रेक कैसे होता है वो लोग ढूंढ के निकालते, पहले सिस्टम बनता बाद में, है या नहीं? तो कहीं पे भी अब मुझे बताओ, यहाँ पे अब वो सिस्टम का खर्चा कितना आएगा, वो जो 5-10 लाख रुपए, उससे अच्छा मैंने क्या सोचा, चलो भाई एक आध स्टूडेंट को फ्री में अटेंड करने दो, एक आध दो लेक्चर। अब जनरली कितने एडमिशन हो गए हैं, कितने बच्चे सामने बैठे, समझो 550 एडमिशन मेरा राइट सिस्टम बता रहा है एंड सामने मुझे लग रहा है कि हाँ 505, 555, 60 के आसपास कुछ स्टूडेंट बैठे, ठीक है वेरिएशन 4-5 स्टूडेंट का है, वो भी एक आध स्टूडेंट के लिए, हम लोग कभी सरप्राइज चेक करते हैं, रिसीट चेक करते हैं, ऑल दोस थिंग्स, इससे मेरा कुछ इतना भारी भक्का नुकसान होने वाला है क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बट अब मुझे बताओ बच्चों, एक समझो गोल्ड का शॉप है, गोल्ड का शॉप है, वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो राइट तुम वो गोल्ड का जो सिस्टम, वो जो शॉप का ओनर है वो ऐसा सिस्टम रख सकता है कि वहां पे क्या फर्क पड़ता है 1-2 ग्राम इधर उधर हर रोज का, 1-2 ग्राम इधर उधर राइट, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे बोल सकता है क्या वो? उसको कितना परफेक्ट सिस्टम बिठाना पड़ेगा उधर, एम्प्लॉय कहां से एंटर करेगा, वो जाते वक्त उसके हाथ में कोई गोल्ड है क्या, उसके कहीं गोल्ड है क्या, एवरीथिंग प्रॉपर, 1 ग्राम का भी वेरिएशन उसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी लाइक दैट इटसेल्फ, इफेक्टिव एट द सेम टाइम इकोनॉमिकल, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑपरेट, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑपरेट, शुड इन्वॉल्व मिनिमम क्लैरिकल वर्क, क्लैरिकल वर्क होना ही नहीं चाहिए ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, बट शुड इन्वॉल्व मिनिमम क्लैरिकल वर्क, कम से कम क्लैरिकल वर्क होना चाहिए, करेक्ट, शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, शुड फुलफिल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करना पड़ेगा, शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट्स, करेक्ट और नॉट? शुड बी फ्लेक्सिबल, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, यस और नो? शुड बी इजी, शुड बी इजी टू मॉडिफाई एज पर एक्सपांशन, चेंज इन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन चेंज हो सकता है, एक्सपांशन हो सकता है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम मॉडिफाई होना चाहिए, करेक्ट है? सो दीज आर इंस्टॉलेशंस ऑफ अ गुड, ऑफ अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम, इंस्टॉलेशन ऑफ अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम के इसेंशियल्स आपको मैंने दिए हुए बच्चों, इसेंशियल्स ऑफ अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम,
ये लिखे क्या आपने, एंड इसके साथ में बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके साथ में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जो वैसे तो बेसिकली थियरी टॉपिक था, पर इसके अंदर भी मैंने आपको कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस डाले और एंड सेग्रीगेशन के क्वेश्चन डाले, तो मैंने इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी बना दिया। हार्डली ये अपना थर्ड लेक्चर है, मतलब अभी तक अपने कुछ 5-5.5 आवर्स कंप्लीट हो चुके इस बैच में। इसमें भी हम लोग दो चैप्टर का बहुत डिटेल्ड रिवीजन कर चुके हैं बच्चों। वो आप लोगों ने दो कौन से सर, एक ही हो गए, दो चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट शीट, ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों हम लोग, यस और नो? ये दोनों चैप्टर का रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट इज बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड कॉस्ट शीट। चलो यहां तक सबको समझा क्या बच्चों, बताओ फिर। तो एक काम करो, अभी यहां तक अगर लिखा है तो उसके बीच में एक आधा ब्लैंक पेज छोड़ दो एंड उसके बाद में लिख देना मटेरियल कॉस्ट। क्या बोलो? मटेरियल कॉस्ट, यस बच्चों, मटेरियल कॉस्ट। ध्यान दे रहे बच्चों, मटेरियल कॉस्ट, ये अपना सेकंड चैप्टर। एक दो पेजेस ब्लैंक छोड़ दो फर्स्ट चैप्टर के बाद में, ताकि बाद में अभी आपको कुछ नोट्स बनाना है, आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चन लिखना है, आपके कुछ एडिशनल थियोरेटिकल नोट्स लिखना है, मे बी यू कैन यूज दोज पेजेस, वी आर क्लोज टू द एग्जाम माय फ्रेंड्स। तो एक दो पेजेस ब्लैंक छोड़ दो एंड उसके बाद में राइट डाउन मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। तो बोलो क्या होता है मटेरियल कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ, आप ऑलरेडी जानते हैं आपको, इट इज द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम्स यूज्ड, इट इज द कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो जो भी तुम्हारा मैन्युफैक्चर का प्रोसीजर है, इसमें कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम्स यूज, कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम्स यूज इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम्स यूज इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट, माई फ्रेंड्स, इज नोन एज मटेरियल कॉस्ट। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? ओके, दिस मटेरियल कॉस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, मटेरियल कॉस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो दो पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, सब लोग जानते हैं ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एंड दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो क्या होता है ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, क्या होता है ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? तो बोलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो होता है विच इज, हाँ बोलो, स्पेसिफिक मटेरियल कॉस्ट है बट स्पेसिफिकली इट कैन बी अलोकेटेड टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर। जैसे कि बच्चों अब समझो मेरा कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस है, कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस है, तो ये कैलकुलेटर के लिए जो भी स्पेसिफिकली रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, which can be identified with the cost object and cost center is direct material. But आप बताओ ये calculator बनाते हैं जो machine use होता है, वो machine में कुछ spare parts use हो गए, वो machine में oil use हुआ, grease use हुआ, diesel use हुआ, आप समझ रहे हो नहीं? ये कौन सा cost है? ये material तो है, but ये direct material है क्या? तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, ये कैलकुलेटर बनाने के बेचने का मेरा बिजनेस है, तो यहाँ जो मेरा ऑफिस है, ऑफिस में वो प्रिंट आउट के लिए उसने पेपर लाए, तो वो जो पेपर है वो मटेरियल परचेस थे बच्चों। बट बताओ ये कैलकुलेटर के लिए वो कोई डायरेक्ट मटेरियल है क्या? नॉट एट ऑल, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। गेटिंग दिस? सो इनडायरेक्ट मटेरियल ऑब्वियसली इट विल बी कैन बी रिलेटेड टू फैक्ट्री, कैन बी रिलेटेड टू सेल्स ऑफिस, कैन बी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट विल बी ऑल इंक्लूडेड इन ओवरहेड कॉस्ट, कैनॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? हाँ बोलो, कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ओके, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट लिख रहे हो ये मटेरियल कॉस्ट, ओके, मटेरियल कॉस्ट विच कैन बी, which can be specifically identified with, which can be specifically identified with a cost object is known as direct material cost, is known as direct material cost,
is known as direct material cost. Direct material cost it includes, लिख रहे हो क्या बच्चों आप साथ साथ में? इट इंक्लूड्स, मैं वापस बता दूं बच्चों, आप लिखा करो, नोट्स बनाया करो साथ में, ये इंपॉर्टेंट है. इट इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करता है? हाँ बोलो. कॉस्ट स्पेसिफिकली यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेसिफिकली यूज्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन. दूसरा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. एंड तीसरा, प्राइमरी पैकिंग. प्राइमरी पैकिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल कॉस्ट इट सेल्फ. एंड सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, इज इंक्लूडेड इन प्राइम कॉस्ट. तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है बच्चों? ओके, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट which cannot be specifically identified, which cannot be specifically identified with cost object is known as indirect material cost, my friends. समझ आया सबको? ये इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स लेट से कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, कॉमा लेट से ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस used. समझ में आ रहा है आपको ये? देन लेट अस से इट इंक्लूड्स, बोलो बच्चों, कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स कुछ यूज हो रहे हैं. समझ में आ रहा है? जो फिनिश प्रोडक्ट में थोड़ी आपको दिखते हैं, यस और नो एक्सेट्रा. इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन overhead cost. Indirect material cost is included in overhead cost. Yes, बच्चो, यहां तक लिख रहे हो कि आप मुझे प्लीज बता दो. आपको लगता होगा कि सर ये थियरी में बहुत बोर हो रहा है. मेरे भाई दोनों इंपॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, राइट, आपको जानते हैं, पहले 3-4 चैप्टर में ही कुछ थियोरटिकल पोर्शन इन्वॉल्व है. एंड ये सारे क्वेश्चन 130 क्वेश्चन तो हम सॉल्व करने वाले हैं ना मेरे भाई. यस और नो? ओके, चलो आप मुझे बताओ, यहां तक अगर आपने लिखा है तो मुझे बताओ बच्चों, रॉ मटेरियल कॉस्ट एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में का जो टोटल कॉस्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट होगा, ऐसे मेरा मानना है. सही है क्या? जैसे कि एक्सपर्ट हमारा, ये एक सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है लेबर कॉस्ट. कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है लेबर कॉस्ट, प्रोफेशनल लेबर कॉस्ट. मतलब विनोद रेड्डी को जो पेमेंट हो रहा है वो एक्सपर्ट का लेबर कॉस्ट ही, एक्चुअली प्रोफेशनल लेबर कॉस्ट. तो एक सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कॉस्ट का लेबर कॉस्ट, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है लेबर कॉस्ट. बट आप मुझे बताओ, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है? एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है? तो ऑब्वियसली कॉस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है मटेरियल कॉस्ट. तो राइट डाउन, मटेरियल कॉस्ट इज ओके मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, मेजर एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, स्पेसिफिकली इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली इन
मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस इट इज हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, इट इज हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में इट इज द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, इट इज द हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. देयरफोर बच्चों प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर किस चीज के लिए प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल चाहिए बच्चों, किस चीज के वक्त प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल चाहिए, राइट? फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल. देन फॉर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेस स्टोरेज एंड इश्यू इस सीक्वेंस में लिख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर परचेस स्टोरेज एंड इश्यू प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. एंड इसी के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं ये इस चैप्टर में हम धीरे धीरे करके पढ़ने वाले बच्चों, जिसके अंदर ईओक्यू का कंसेप्ट आने वाला है, एबीसी का कंसेप्ट आने वाला है, वेरियस इन्वेंट्री लेवल्स का कंसेप्ट आने वाला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कंसेप्ट आने वाला है, एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, एचएमएल एनालिसिस का कंसेप्ट आने वाला है, व्हाट इज नॉर्मल लॉसेस, व्हाट इज अबनॉर्मल लॉसेस उसका कंसेप्ट आने वाला है, व्हाट इज ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट आने वाला है. आप इतना मत समझो कि सर इतना कुछ है क्या, राइट? ये सब इजी बना दूंगा बच्चों, कल का लेक्चर अटेंड कर लिया तो ये और क्लैरिटी आ जाएगा इसमें. चलो यहां तक सबको समझा के बताओ बच्चों, प्लीज यहां तक सबको समझा क्या? तो प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल. ये जो भी लेक्चर अभी लोग लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देखेंगे या पेन ड्राइव लेके, गूगल ड्राइव लेके बाद में और कभी देखने वाले, उन सबको मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये सब आपके नोटबुक में आना चाहिए, सब आपके ये नोटबुक में आना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैच का फीचर है सबसे बड़ा, कि हर चीज अपने को लिख के चाहिए वहां पे, राइट? नो डाउट ये कोई रेगुलर बैच नहीं है जहां पे हम 200 घंटे स्पेंड करने वाले, बट 60 आवर्स कम भी नहीं होते बच्चों, इतने ज्यादा नहीं होते, मैं एग्री करता हूं, बट कम भी नहीं होते. इस बैच के बाद में फेल होना जस्टिफाई नहीं है, फेल होना जस्टिफाई ही नहीं है आफ्टर स्पेंडिंग दी 60 आवर्स. ये काम तो लाइफ में एक ईमानदारी से करो बच्चों, पूरी ईमानदारी से ये काम अपने को करना है, ठीक है? तो प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड माय फ्रेंड्स फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फॉर स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड. Proper care and control is required, my friends. Yes or no? तो चलो अभी proper care and control is required at the time of purchasing. At the time of purchasing, उसके लिए हमने design किया हुआ है centralized purchase procedure. क्या design किया हुआ है? Centralized purchase process. तो preferably on a new page, आपको ये centralized purchase procedure लिखना है बच्चों. Preferably on a new page, centralized purchase procedure. Okay, बहुत बार मैंने बताया ये regular batches में बहुत detail में होता है, YouTube पे इस पे video भी है, but anyway चलो ये batch में मुझे वापस पढ़ाना ही है. Centralized purchase procedure क्या होता है ये अपने को देखना है. आपको लग रहा है centralized तो बाद में बताओ, पहले decentralized मतलब क्या होता है वो बताओ. तो decentralized purchase procedure में क्या होता है बच्चों, सुनो. समझो ये कंपनी का, ये कंपनी है, उसमें लेट अस से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन है. This is production department 1. Let's say production department 2. Production department 2. Production department 3. ऐसे अलग अलग production department है. आप लोग ऐसा क्या होता है production department? अरे कुछ भी होता है ना, cutting department, welding department, molding department, pressing department, heating department. समझ रहा है? समझो production department 1 को raw material P के 1000 kilograms चाहिए. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का मैनेजर डायरेक्ट आउटसाइड सप्लायर को कांटेक्ट करेगा. मतलब पहले वो सप्लायर्स देखेगा, कौन सा सप्लायर रिलायबल है, क्या है, निगोशिएशंस करेगा एंड फिर ऑर्डर प्लेस करेगा. समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को भी रॉ मटेरियल पी के 2000 किलोग्राम चाहिए,
तो वो खुद भी सप्लायर्स का एनालिसिस करेगा, देखेगा कौन कितना रॉ मटेरियल बेच रहा है, क्या क्वालिटी का बेच रहा है, कौन सा सप्लायर रेप्यूटेड है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, निगोशिएशन करेगा, खरीद लेगा। बट आप बताओ बच्चों, ये दोनों अपना अपना ऑर्डर सेपरेटली प्लेस कर रहे हैं, समझ रहा है क्या? तो इससे पहला प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें जो एट अ टाइम बाय करके जो बल्क बाइंग का डिस्काउंट मिल सकता था वो गया। ऊपर से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1K 2K मैनेजर्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन निगोशिएशंस इन सप्लायर्स एनालिसिस। उससे अच्छा अगर आपका एक ही डिपार्टमेंट ये काम करता सारे कंपनीज के, फिर कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट हो, सारे परचेसेस अगर एक ही डिपार्टमेंट करता, तो डेफिनेटली दे दोज पीपल आर मोर स्पेशलाइज्ड इन बाइंग, आर मोर स्पेशलाइज्ड इन बाइंग, उन लोगों ने बाय करना चाहिए, करेक्ट है या नहीं? ऊपर से आप मुझे बताओ, ये लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 का मैनेजर बाहर जाके सप्लायर के साथ अपना अपना अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, राइट? उनके साथ में डीलिंग भी नहीं ठीक से करेंगे, ऊपर से राइट कुछ कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे, कंपनी के तरफ से पेमेंट देंगे सप्लायर को, सप्लायर इनको कैश में पैसा वापस देगा कुछ थोड़ा बहुत, इंडिया मतलब ऐसे चांसेस रहते ही है। अब बता बच्चों, ये प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए जो सिस्टम आया उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। तो अभी जो मैंने बोला था, ये जहां पे हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर आउटसाइडर को कांटेक्ट कर रहा है, दैट वाज डिसेंट्रलाइज परचेस सिस्टम, दैट वाज डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। तो अब सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, आप सुनो ध्यान से। समझो ये तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, एंड समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को लेट अस से 1000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल पी चाहिए, रॉ मटेरियल पी चाहिए। समझो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, ओके? इसको मान लो 5000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल क्यू चाहिए, कोई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको कोई और रॉ मटेरियल का कुछ क्वांटिटी चाहिए। तो ऐसे हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं बच्चों, अपने अपने अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। तो वो डायरेक्ट सप्लायर को कांटेक्ट करेगा क्या? ऊपर क्या हेडिंग लिखा है मैंने, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। तो आप बताओ बच्चों, हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर, हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर जो है वो डायरेक्टली राइट आउटसाइड सप्लायर को कांटेक्ट करेगा क्या? नहीं, वो किसको कांटेक्ट करेगा? वो जाएगा स्टोर डिपार्टमेंट में। कहाँ जाएगा बच्चों? स्टोर डिपार्टमेंट में। तो वो स्टोर डिपार्टमेंट, चलो सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, वो स्टोर डिपार्टमेंट में जाएगा। कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। आपको लोग ऐसे जाएगा मतलब चलते जाएगा क्या? अरे जाएगा, चलते जाएगा, मेल करेगा। अब ये मत पूछो मुझे भाई कि क्या करेगा वो, आप समझ रहे हो ना? उनका कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, लेटर भेजेगा, टेलीग्राम भेजेगा, फोन करेगा, क्या है वो कंपनी टू कंपनी डिसाइड हो सकता है। बट अगर आपको रिटर्न सब कुछ रिकॉर्ड्स पूरे अच्छे से मेंटेन करना है या सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, तो उसको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि बॉस मुझे 1000 किलोग्राम चाहिए। तो वो जो रिक्वेस्ट करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर को, तो जो नोट भेजेगा उसका नाम है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। अब आपको बच्चों, अब मटेरियल रिक्विजिशन नोट का हार्ड कॉपी भेजेगा, सॉफ्ट कॉपी भेजेगा, डिजिटल सिग्नेचर करके भेजेगा, वो कंपनी देख लेगा, तुम उतना दिमाग मत लगाओ। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, या उसको बोलते हैं स्टोर रिक्विजिशन नोट, क्या बोलते हैं उसको? स्टोर रिक्विजिशन नोट, या उसको बोला जाता है मटेरियल डिमांड नोट। क्या बोला जाता है? मटेरियल डिमांड नोट। तो मटेरियल डिमांड नोट भेजा गया, कहां भेजा गया बच्चों? स्टोर डिपार्टमेंट में। अब बताओ बच्चों, स्टोर डिपार्टमेंट जो है ना वो मटेरियल डिमांड नोट देखेगा और बोलेगा अच्छा इसको 1000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तुरंत इशू कर देगा क्या? वो पूछेगा भाई तुझे 1000 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1000 किलोग्राम ले लेगा स्टोर डिपार्टमेंट से, एंड उसमें से 200 किलो घर लेके जाएगा, एंड बचा हुआ 800 किलोग्राम अपने जॉब्स, मतलब वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई जॉब पे काम कर रहा है ना वो जॉब कंप्लीट करने के लिए लगाएगा। ये तो फ्रॉड हो गया ना बच्चों, करेक्ट है? तो आप बताओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूछेगा स्टोर डिपार्टमेंट कि बॉस तुझे रॉ मटेरियल क्यों चाहिए, तो वो बोलेगा कि मैं जॉब नंबर एक्स वाई जेड पे काम कर रहा हूं, तो जॉब नंबर एक्स वाई जेड कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है ये स्टोर कीपर को पता रहेगा क्या? स्टोर डिपार्टमेंट को पता रहेगा क्या? मे नॉट बी। अब बता, हजारों जॉब्स कंप्लीट होते हजारों रॉ मटेरियल से, कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है ये थोड़ी पता है।
तुम में से अगर इसमें से कोई बॉयज, बहुत सारे बॉयज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आप मुझे बताओ 15 चपाती बनाने के लिए कितना आटा लगता है? एग्जैक्ट छोड़ो, आपको अंदाज भी नहीं है, एग्जैक्ट छोड़ो, आपको अंदाज भी नहीं है कि कितना आटा लगता है, करेक्ट और नॉट। तो आप मुझे बताओ, जो चीज आपके घर पे हर रोज बनती है उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है ये आपको पता नहीं है। आप मुझे बताओ, स्टोर कीपर भगवान थोड़ी है कि उसको हजारों प्रोडक्ट बनते हैं जिसके लिए हजारों रॉ मटेरियल कंज्यूम होते हैं, कौन सा जॉब कंप्लीट करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है, वो थोड़ी जबानी याद रहेगा उसको। तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को पूछेगा कि बॉस ये पर्टिकुलर जॉब कंप्लीट करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और कितने क्वांटिटी में लगता है, कौन सा रॉ मटेरियल लगता है और कितना क्वांटिटी में लगता है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट स्टोर को बता देगा कि एक काम करो, ये ले लो बिल ऑफ मटेरियल। क्या बिल ऑफ मटेरियल? एंड बिल ऑफ मटेरियल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या बताऊंगा? स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर जॉब। तो स्टोर डिपार्टमेंट को ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट पता चल गया, समझ रहा है? एंड ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक्चुअल रिक्वायरमेंट कम्युनिकेट किया, ये दोनों को कंपेयर करेगा वो, एंड अगर डेविएशन मेजर नहीं है तो वो क्वांटिटी इश्यू करेगा, अदरवाइज वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूछेगा कि बॉस एज पर बिल ऑफ मटेरियल तो तुझे 900 किलोग्राम में ही कंप्लीट करना चाहिए, तो इतना क्यों मांग रहा है बता दे। इफ ही सेटिस्फाइड विद द रीजन देन ही मे इशू द क्वांटिटी। तो आगे वो स्टोर का काम है, समझा क्या? यस और नो? आप बताओ स्टोर में ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा? आप स्टोर खुद बाय करता है क्या? नहीं। तो स्टोर का क्या करता है, स्टोर कंपनी के प्रोडक्शन मैनेजर को पूछता है, मेरा प्रोडक्शन प्लानिंग तुम्हारा मुझे एडवांस में बता दो, अगले साल भर का प्रोडक्शन प्लानिंग दो मुझे, करेक्ट है? एंड उसके हिसाब से मैं रॉ मटेरियल रेडी रखूंगा, रॉ मटेरियल रेडी रखूंगा। कौन बाय करेगा? वो खुद बाय करेगा क्या? नहीं। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है ना बच्चों, वो किसको नोट भेजता है? सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट को। किसको बोलो? सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट। तो यहां पे है कंपनी का सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट, यहां पे है कंपनी का सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट। तो ये सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि बॉस मुझे रॉ मटेरियल पी, रॉ मटेरियल क्यू, रॉ मटेरियल आर इतने क्वांटिटी में चाहिए, तो वो जो भेजेगा उसको बोलते हैं परचेज रिक्विजिशन नोट। क्या भेजता है? परचेस रिक्विजिशन नोट। तो आप बताओ बच्चों, सेंट्रलाइज परचेस डिपार्टमेंट में वो लोग बैठे हैं जो सिर्फ परचेस में ही स्पेशलाइज्ड है, जो वेरियस सप्लायर्स को जानते हैं, सारे सप्लायर्स को एनालाइज करेंगे, करेक्ट, उनके साथ प्रॉपर बार्गेनिंग करते हैं, उनका स्किल है, वो सारे सप्लायर्स का ट्रेंड एनालिसिस किए हुए हैं, उनका रेपुटेशन क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सब कुछ उनका काम ही डे इन डे आउट वो वही करते हैं, सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट। तो सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट ये पूरा एनालिसिस करके एक सप्लायर फाइनल करेगा। एंड आप बताओ, वो सप्लायर को फोन करके बोलेगा क्या? नहीं। अगर फोन समझो उसने सेंट्रलाइज परचेज डिपार्टमेंट में सप्लायर को फोन करके बोला कि भाई भाई 1000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल पी बना दे, एंड समझो सप्लायर ने बना दिया, एंड वो सप्लायर बोल रहा है कि हाँ चलो मैंने बना दिया डिलीवर ले लो, एंड बाद में अगर ये कंपनी बोले कि हमने कभी ऑर्डर दिया ही नहीं था, सप्लायर के आचार डालेगा क्या कि फिर वो 1000 किलोग्राम जो स्पेसिफिकली ये कंपनी के लिए बना है? तो सप्लायर जो है वो कभी प्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा तुमने ऑर्डर दिया है तो एक काम करो मुझे परचेस ऑर्डर भेज दो। क्या भेज दो? परचेस ऑर्डर। एंड परचेस ऑर्डर मिला उसको, उसके बाद में ही वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, उसके बाद में ही वो प्रोडक्शन स्टार्ट करता है बच्चों। सप्लायर जब गुड्स बनाएगा तब वो भेजता है बायर्स फैक्ट्री गेट पे। कहाँ भेजता है? बायर्स फैक्ट्री गेट पे भेजता है। एंड जब वो बायर्स फैक्ट्री गेट पे गुड्स भेज रहा है, साथ साथ में वो डिलीवरी चलान भेजेगा, डिलीवरी चलान भेजेगा, एंड डिलीवरी चलान बायर्स फैक्ट्री गेट पे साइन होगा, एंड वहां से वो वापस भेजा जाएगा बच्चों। क्या भेजता है वो साथ साथ में? बोलो, डिलीवरी चलान भेजता है। क्या भेजता है? डिलीवरी चलान, राइट, डिलीवरी चलान स्टैम्प करके राइट बायर सप्लायर को वापस भेजा जाता है। अच्छा बच्चों, बायर्स फैक्ट्री गुड्स में आ गए मतलब हो गया क्या, फिर स्टोर में आएगा क्या? नहीं। तो बायर्स फैक्ट्री गेट पे गेट पास बनेगा, गेट पास मतलब गुड्स हमारे कंपनी के अंदर आ गए,
गुड्स हमारे कंपनी के अंदर आ गए, मतलब गेट पास। अब वो गेट पास के थ्रू गुड्स जब आएंगे ना, आपको लगता है कि सर अभी तो स्टोर में भेज दो, तो नहीं, अब ये जाएगा टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में। कहाँ जाएगा ये? टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में। अब बताओ बच्चों, मैंने रॉ मटेरियल पी मंगवाया था, उसने रॉ मटेरियल क्यों भेजता है हमारी फैक्ट्री को? वॉचमैन को थोड़ी समझता है। हमने एक पर्टिकुलर क्वालिटी का रॉ मटेरियल मांगा था, उसने अलग ही क्वालिटी भेजा है। हमने ब्राउन कलर का मांगा था, उसने ब्लू कलर का भेज दिया। ऐसे कुछ भी वेरिएशंस आ सकते हैं ना, तो ये कौन चेक करेगा कि रॉ मटेरियल हमने जो ऑर्डर दिया था उसी के हिसाब से है क्या? ये कौन चेक करेगा? तो वो चेक करेगा टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। कौन चेक करेगा? टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो ये टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में गुड्स जाएंगे, एंड व्हेन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट विल बी सैटिस्फाइड, व्हेन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट विल बी सैटिस्फाइड विथ, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि बॉस अब ये गुड्स एज पर द क्वालिटी है, तब वो राइट ये क्या बनाएगा, एक नोट बनाएगा जिसका नाम है जीआरएन। क्या होता है जीआरएन? जीआरएन का फुल फॉर्म है गुड्स रिसीव्ड नोट। गुड्स रिसीव्ड नोट जीआरएन बनाएगा। इनफैक्ट वो जीआरएन के 5 कॉपीज बनाता है, और वो 5 कॉपी कहाँ कहाँ भेजता है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आपको। तो ये जीआरएन बनाएगा, एंड गुड्स अब स्टोर में आ गए बच्चों। एंड अब बताओ स्टोर से ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू हो सकते हैं। तो अगर आप ये पूरा डायग्राम अच्छे से देखोगे बच्चों, तो आपको समझेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे बनता है और कहाँ भेजा जाता है। एंड एक चीज याद रखो, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे, हर डॉक्यूमेंट का एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जरूर दिया जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जरूर दिया जाता है। हर डॉक्यूमेंट का एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजा ही जाएगा बच्चों। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन माय फ्रेंड्स? यस। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन ने जो रॉ मटेरियल मांगा था उसका मैंने प्रोसीजर बता दिया था। इनफैक्ट अपना जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन प्लानिंग रेफर करके ये रॉ मटेरियल एडवांस में मंगा के रखता है, रॉ मटेरियल एडवांस में मंगा के रखता है। अच्छा बताओ, कभी कभी समझो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के पास एक्सेस रॉ मटेरियल है, कैन इट बी ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू डायरेक्टली? यस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू को रॉ मटेरियल डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन के एक जॉब से अनदर जॉब में भी ट्रांसफर हो सकता है। बट ये स्टोर के लिए ना रिसीट है ना इश्यू है, तो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट अफेक्ट स्टोर लेजर, जो हम बाद में बनाने वाले स्टोर लेजर, स्टोर लेजर को वो अफेक्ट नहीं करता बच्चों। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू में अगर कुछ गुड्स गए तो साथ साथ में एक नोट बनता है, उसका नाम है मटेरियल ट्रांसफर नोट। क्या बनता है? मटेरियल ट्रांसफर नोट बनता है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड मटेरियल ट्रांसफर नोट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन स्टोर लेजर, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन स्टोर, इट इज नाइदर रिसीट नॉर इश्यू फॉर द स्टोर। तो आपको ये पता रहेगा मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब और फ्रॉम वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू अनदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल नॉट अफेक्ट यूर स्टोर लेजर। अच्छा समझो तुम्हारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थ्री wants to return some raw material to store, store को ये रॉ मटेरियल वापस करना चाहता है, तो वो वापस कर सकता है क्या? उसको ऑलरेडी इश्यूड था, वापस कर सकता है क्या? यस वापस कर सकता है। तो साथ में नोट कौन सा बनेगा? मटेरियल रिटर्न नोट। क्या बनेगा? मटेरियल रिटर्न नोट, या उसको बोला जाता है स्टोर डेबिट नोट। क्या बोला जाता है? स्टोर डेबिट नोट और शॉप क्रेडिट नोट, और शॉप क्रेडिट नोट, स्टोर डेबिट नोट और शॉप क्रेडिट नोट बनाया जाता है, एंड गुड्स कैन बी रिटर्न। अच्छा मुझे बताओ, समझो कोई सप्लायर ने गुड्स हमें भेजे, टेस्टिंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने चेक भी किए एंड स्टोर डिपार्टमेंट आ गए, बट बाद में हमें लगा कि ये रॉ मटेरियल हमें सप्लायर को वापस करना है, तो वापस कर सकते हैं क्या हम लोग? तो कर सकते हैं राइट। हो सकता है कि एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ हमारा ऐसा ही, बट उसके साथ साथ में एक नोट बनेगा, वो है परचेस रिटर्न नोट। क्या बनेगा? परचेस रिटर्न नोट। तो ये परचेस रिटर्न नोट का भी एक कॉपी ऑब्वियसली अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा बच्चों। तो आप मुझे बताओ, अब इमेजिन करो ये पूरा प्रोसीजर आपको पता है, ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? ओके,
अब मुझे बताओ जो, अगर तुम एक ये कंपनी में ऑडिट करने गए, कल जाके इंटर पास होके मान लो ऐसी एक बड़ी कंपनी में तुम ऑडिट करने गए, एंड वहां पे आपने देखा कि उस कंपनी ने एक सप्लायर को 5 करोड़ का पेमेंट किया है फॉर रॉ मटेरियल परचेस्ड, तो आप बोलोगे क्या? आप वहां पे पूछोगे अच्छा ये 5 करोड़ का पेमेंट क्यों किया है? वो बोलेगा कि रॉ मटेरियल बाय किया है। आप बोलोगे अच्छा अच्छा रॉ मटेरियल बाय किया है, किया है ना पक्का बाय, ओके ठीक है अप्रूव्ड। आप ऐसे ऑडिटर हो क्या? आप क्या करोगे फिर? अच्छा 5 करोड़ का रॉ मटेरियल बाय किया है, अच्छा कौन से जॉब्स के लिए रॉ मटेरियल लगता है जरा बताओ मुझे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, जरा बताओ मुझे बिल ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, तुमने वो सप्लायर को परचेज ऑर्डर भेजा था क्या, उसका एक कॉपी बताओ। अच्छा गुड्स आए क्या, चेक पेमेंट करने के पहले गुड्स आए क्या, ये चेक किया क्या आपने? आप पूछोगे ना अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट आपको बताएगा हाँ सर गुड्स आए, ये देखो गेट पास डिलीवरी चलन। आप बोलोगे बट वो टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने अप्रूव किए क्या? बताओ मुझे जीआरएन, बताओ मुझे जीआरएन। तो आप मुझे बताओ बच्चों, आपको कल जाके ये क्वेश्चंस पूछना है ना, कल जाके 5 करोड़ का पेमेंट हुआ है, 10 करोड़ का पेमेंट हुआ है, तो वो पेमेंट जेन्युइन है क्या, ये जानने के लिए यू हैव टू चेक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू चेक ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, तभी वो पेमेंट ऑथेंटिक पेमेंट है, करेक्ट है या नहीं है। तो आप बताओ बच्चों, वो आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए ये सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस का पूरा नॉलेज होना जरूरी है या नहीं है, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस का पूरा नॉलेज होना जरूरी है या नहीं है? तो ऑब्वियसली इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस माय फ्रेंड्स। तो चलो मैं 2 मिनट वेट करता हूं, आप ये सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस का पूरा फ्लो आपकी नोटबुक में मैं साथ साथ में कॉपी किया है, मैं ऐसे ही मानता हूं, बाय चांस नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके बाद में कॉपी कर लेना, वैसे भी ये यूट्यूब पे अपलोडेड है ही। जो भी हमारा टीचिंग है, हम अगर कुछ मेहनत कर रहे हैं आपको लगता है तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो ही, नहीं तो मत करो। यस बच्चों, ये सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर समझा के आपको प्लीज बता दो मुझे, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस, यस कमेंट में बता दो बच्चों प्लीज, समझा क्या? यस ओके। जीआरएन जिसको मैंने बोला था गुड्स रिसीव्ड नोट, गुड्स रिसीव्ड नोट जीआरएन जब बनता है तो उसके 5 कॉपीज बनते हैं बच्चों, जब भी बनेगा वो 5 कॉपीज बनते हैं, तो 1 कॉपी विल गो टू सप्लायर, सप्लायर को भी पता चलना चाहिए कि गुड्स आ गए भाई अच्छे हैं, टेस्टिंग इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिए, 1 कॉपी विल गो टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 1 कॉपी विल गो टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, 1 कॉपी विल गो टू द डिपार्टमेंट, टू द डिपार्टमेंट हु इनिशिएटेड दिस परचेस प्रोसेस, हु इनिशिएटेड परचेस प्रोसेस, वहां पे कॉपी जाएगा, 1 कॉपी विल गो टू स्टोर डिपार्टमेंट एंड 1 कॉपी विल बी रिटेन्ड, ये कॉपी अपने पास ही रखेगा वो कुछ फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, रिटेन्ड बाय टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, रिटेन्ड बाय टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, 1 कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट माय फ्रेंड्स। सो 5 कॉपीज ऑफ जीआरएन कहां कहां पे जाते हैं ये मैंने अभी आपको आपको लिख के दिया यहाँ पे, साथ साथ में मैंने ऊपर बच्चों आपको पूरा सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस कैसा होता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है बच्चों। ओके तो एक काम करेंगे अभी, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस एंड सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं हम लोग, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस एंड सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस एंड सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस का क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं बच्चों, डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज, ध्यान दो बच्चों प्लीज, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस एंड सेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस। ओके डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसेस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट इज बेनिफिट्स ऑफ बल्क बाइंग, बेनिफिट्स ऑफ बल्क बाइंग आर नॉट अवेलेबल,
economies of scale are not available. Benefits of bulk buying are not available as there are piecemeal purchases. Parts parts में order दिए जाते. There are piecemeal purchases. And centralized में बोलो economies of scale are available. मतलब benefits of bulk buying, discounts because of bulk buying, जिसको हम trade discount बोलते हैं, are available. Economies of scale, yes, are available. That is bracket में लिखते हैं benefits of bulk buying are available. Benefits of bulk buying are available. Benefits of bulk buying are available, my friends. Benefits of bulk buying are available. Then decentralized purchase procedure में, okay, it is less time consuming. It is less time consuming. That is, can I say, faster purchases can be made. Faster purchases can be made at low administration cost. At low administration cost to centralize. No doubt, इसमें पूरा procedure involved है, तो costly है ये. ऊपर से time consuming है. बट अगर आप प्लानिंग करोगे तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेंट्रलाइज ही सुटेबल होगा, बट छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उल्टा ये कॉस्ट ऑफ सिस्टम ज्यादा होगा. मतलब वही चार आने की मुर्गी बारह आने का मसाला हो जाएगा. इसलिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन आज भी डिसेंट्रलाइज को ही स्टिक है, डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर को ही स्टिक रहेंगे. देन इन डिसेंट्रलाइज देर इज नो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, नो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर कॉमा नो यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर, नो यूनिफॉर्मिटी इन परचेस प्रोसीजर. परचेस प्रोसीजर में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. वेर एज सेंट्रलाइज में देर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन परचेस प्रोसेस. देर इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी इन परचेस प्रोसीजर. परचेस प्रोसीजर में स्टैंडर्डाइजेशन है एंड यूनिफॉर्मिटी है. और क्या डिफरेंस है बच्चों? यस, इन सेंट्रलाइज देर इज लॉट ऑफ, सॉरी डिसेंट्रलाइज में देर इज लॉट ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सेम वर्क. सेम ही वर्क रिपीट 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 होता है. अब जैसे कि बाबू द रॉ मटेरियल पी का ऑर्डर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन भी प्लेस कर रहा है, टू भी प्लेस कर रहा है, थ्री भी प्लेस कर रहा है, करेक्ट और नॉट? यहां पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड. डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड इन सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर माई फ्रेंड्स, इन सेंट्रलाइज. अच्छा, इन डिसेंट्रलाइज ना बच्चों कोई भी मैनेजर, कोई भी एक इंसान उसको चेंज कर सकता है. तो देर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, देर इज अ ग्रेटर, क्योंकि ये इसमें राइट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. प्रोसीजर में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो एटलीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. देर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, देर इज अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. एंड एज ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इट कैन बी मोटिवेशन ऑल्सो फॉर द डिविजनल मैनेजर्स, करेक्ट है? बट यहां पे देर इज अ लेसर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, कोई भी उठ के कभी भी चेंज नहीं कर सकता. इसलिए डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को भी कोई मोटिवेशन नहीं है यहां पे. लेसर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन माय फ्रेंड्स, लेसर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटिवेशन. तो चलो बच्चों, ये सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस आपको अच्छे से समझाया क्या बच्चों? प्लीज बता दो. सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस आपको अच्छे से समझा है क्या बच्चों? प्लीज बता दो. यस, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर का डिफरेंस समझा अच्छे से आपको? अब छोटी मोटी कंपनी ना बच्चों, आज फिर भी डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर ही फॉलो करेगा.
करेक्ट है। आपके घर पे क्या आपने सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर बना के रखा है क्या? टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारे भैया, परचेस डिपार्टमेंट पप्पा, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट तुम्हारी दादी, करेक्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मम्मी, ऐसा बना के रखा है क्या कुछ? नॉट एट ऑल। छोटी छोटी जगह पे राइट, इतना फुल प्रूफ सिस्टम की जरूरत नहीं है। करेक्ट, उल्टा है वो सिस्टम राइट एग्जीक्यूट करने का, इंप्लीमेंट करने का खर्चा तुम्हारे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम से ज्यादा हो सकता है। एक मेजर एलिमेंट तो आपको सिस्टम लगाने में लग रहा है, यस और नो? ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। तो छोटी छोटी जगह पे डिसेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर ही फॉलो होता है। बट आप मुझे बताओ, कल जाके टाटा मोटर्स है, इनका टोटल परचेस साल भर का मान लो 20,000 करोड़ है, तो कैन दे गो विद डिसेंट्रलाइज परचेस सिस्टम? नॉट एट ऑल। देर हैज टू बी अ फुल प्रूफ सिस्टम, देर हैज टू बी अ फुल प्रूफ सिस्टम जिसका नाम है सेंट्रलाइज परचेस प्रोसीजर। अब देखो बच्चों, आप लग रहा है सर इतना थियरी क्यों पढ़ा रहे हो? मेरे भाई, अगर आपको ये नहीं समझेगा तो कल जाके प्रैक्टिकल में जो वर्डिंग आएगा, मटेरियल इक्वेशन नोट बनाया, परचेस रिटर्न हो गए, तो आपको ये कैसे समझेगा? हाउ विल यू डील विद शॉर्टेज इन स्टॉक टेकिंग, ऐसा बोलेगा वो? तो आपको ये पूरा प्रोसीजर तो पता होना चाहिए ना बच्चों, येस और नो? तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या मेन काम समझा कि आपको क्या होता है फिर, Yes और no? स्टोर डिपार्टमेंट, तो आप मुझे बताओ बच्चों, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट जो है वो क्या मेंटेन करेगा? बिन कार्ड मेंटेन करेगा। हर एक रॉ मटेरियल के लिए, हर एक रॉ मटेरियल के लिए वो बिन कार्ड मेंटेन करेगा। बिन कार्ड क्या फॉर्मेट होता है जनरली? बिन कार्ड का हर एक रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग बिन कार्ड होता है। जैसे आपको पता है डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट, इशू, बैलेंस, ये बिन कार्ड का फॉर्मेट होता है। हाँ, ऊपर वो कंपनी का नाम, रॉ मटेरियल का टाइप एंड ऑल दोस थिंग, वो कंपनी इसमें अप्रूव्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, रिटर्न बाय, इसका रिकॉर्ड जो भी रहेगा वो अलग रहेगा इसमें, बिन कार्ड। आप लोग रहे सर बट इसमें रेट अमाउंट लिखा नहीं है? होता ही नहीं है। बिन कार्ड इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, जस्ट अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड माय फ्रेंड्स, क्वांटिटी रिकॉर्ड। तो आप बताओ, हमारी कंपनी में 1,000 अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल होता है, तो 1,000 अलग अलग बिन कार्ड्स बनेंगे, 1,000 अलग अलग बिन कार्ड। एंड जहां पे रॉ मटेरियल पड़ा रहता है उधर ही आजू बाजू में उसका बिन कार्ड भी पड़ा रहता है, रैक में उधर लटका रहता है ऐसे कुछ, और वो रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। इट इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, इट इज जस्ट अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड। बट आप बताओ बच्चों, स्टोर लेजर कार्ड, स्टोर लेजर कार्ड जो होता है, जो प्रॉपर तुम्हारा अकाउंटेंट बनाता है, इट इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वो होता है तुम्हारा क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जिसमें जनरली फॉर्मेट ऐसा रहता है, डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। डेट पर्टिकुलर्स, रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस। एंड शायद आपको याद आता है, आ जाएगा बाद में, ये रिसीट्स, इशू एंड बैलेंस, ये जो तीन कॉलम है इसको आगे और तीन कॉलम में डिवाइड होता है, दैट इज क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, एंड दिस इज क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट इज ऑल्सो क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। सो स्टोर लेजर कार्ड इज क्वांटिटेटिव कम फाइनेंशियल रिकॉर्ड माय फ्रेंड्स, क्वांटिटेटिव कम फाइनेंशियल रिकॉर्ड। एंड हमारे सिलेबस में ना बच्चों राइट, हमारे सिलेबस में चार मेथड्स है जिसपे हम स्टोर लेजर बनाते हैं, और वो चार मेथड्स है फीफो, मेथड्स फॉर प्राइजिंग इश्यूज, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट, वेटेड एवरेज आफ्टर एवरी रिसीट, एंड और एक होता है वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ द पीरियड, वेटेड एवरेज एट द एंड ऑफ पीरियड।
एट द एंड ऑफ पीरियड। तो ये चार मेथड से हम लोग स्टोर लेजर कार्ड बनाते हैं। तो हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे एक आधा, स्टोर लेजर जो एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। तो चलो यहां तक सबको समझा क्या बताओ बच्चों, प्लीज इतना समझा, आज का लेक्चर खत्म हो गया। एंड कल हम मटेरियल्स पे और कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। अभी एक्चुअली हम कल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मटेरियल्स पे। अभी इसके आगे के दो लेक्चर जो होगा ना, एक ही चैप्टर पे रहेंगे, मटेरियल्स पे ही रहेंगे। इसके आगे के दो लेक्चर होंगे बच्चों जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मटेरियल्स के। 12-15 क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने आपको पीडीएफ में दिए हुए मटेरियल्स इस चैप्टर के। तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले, उसमें सारे फॉर्मूले आपको समझने वाले बच्चों, साथ साथ में सारा थियरी भी क्लैरिटी आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों सबको? प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दो बच्चों, यहां तक क्लैरिटी है क्या? प्लीज प्लीज एवरीवन, यस दीपाली, सही, मौसम, नितेश, सब लोग बता दो बच्चों। एंड वापस बोल दो, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ ये लेक्चर्स को शेयर करो बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में राइट हम इसी को डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एंड विद दैट वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस आल्सो माय फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, सी यू वेरी सून फॉर लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस बूस्टर रिविजन। सी यू सून फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।